गुड मॉर्निंग डियर। जो रास्ता तुमने दिखाया था उस रास्ते पे चलते चलते आज मैं इतना आगे बढ़ गया हूँ कि लोगों ने मुझे माइंड रीडर बना दिया। अब कानून को भी मुजरिमों के दिमाग को पढ़ने के लिए मेरी ज़रूरत पड़ती है, और आज मैं एक ऐसे ही मुजरिम का दिमाग पढ़ने जा रहा हूँ जिसने एक आदमी का खून किया है। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन कानून ये जानना चाहता है कि उसने गुनाह क्यों किया। मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है तो फिर मुझे यहां बैठा कर क्यों रखा हुआ है? एक्सक्यूज मी, जितना सरप्राइज तुम मुझे यहां देखकर हो रहे हो मैं भी उतना ही सरप्राइज हो रहा हूं तुम्हें यहां देख के। वैसे जब डीएसपी वर्मा ने तुम्हारा नाम बताया थोड़ा अजीब लगा, श्योर नहीं था कि वो तुम ही होगे, लेकिन जब तुम्हें यहां देख लिया तो बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, मुझे डीएसपी वर्मा ने भेजा है इस केस पर काम करने के लिए, तो थोड़ी देर के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ दो। सूरज ही नाम है ना तुम्हारा? हाँ। मेरा नाम कुणाल है और मुझे यहाँ ये जानने के लिए भेजा है। मैं जानता हूँ कि आप भी मुझसे वही सवाल करेंगे जो आज तक हर कोई करता आया है, और मैं आपको वही जवाब दूंगा जो मैंने अब तक हर किसी को दिया है। हाँ, कांति राव का खून मैंने करा है, और इसके आगे मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। कोई इंसान जन्म से अपराधी नहीं होता, और अगर वो कोई जुर्म करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। अगर उस वजह का पता चल जाए तो हो सकता है शायद उस अपराधी की सजा कुछ कम हो जाए, या हो सकता है उसको माफी मिल जाए और वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सके। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी माफी ही मेरे लिए सजा होगी। अगर आपने मुझे माफ कर भी दिया, मुझे माफी मिल भी गई, तो बाहर की दुनिया मेरे लिए दो रास्ते चुनेगी। पहला रास्ता जहां मेरा तिरस्कार होगा, लोग मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे, लोग मुझसे दूर भागेंगे, या फिर दूसरा रास्ता, लोग मुझे हीरो बना देंगे। कहने का मतलब है कि जुर्म की दुनिया का बेटा बादशाह बना देंगे, और दोनों ही सूरतों में मेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। मैं चाहता हूं फांसी। ठीक है, माँ बाप कुछ दिन रोएंगे, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा।
अक्सर ऐसा होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए सब कुदरत पर छोड़ दो, तुम सिर्फ कर्म करो और तुम्हारे कर्म ही निर्धारित करेंगे तुम्हारे जीवन की दिशा। मैं जानता हूं आपको, आपकी वीडियोस देखी हैं मैंने। मैं जानता हूं कि आपको भाषण देने का और ज्ञान देने का बहुत शौक है, बट आई एम सॉरी, मुझे आपके ज्ञान में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा छोड़ो, मैं कुछ नहीं पूछ रहा तुमसे, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। पूछिए। अभी तुमने बोला कि तुम मुझे जानते हो, तो कितना जानते हो मेरे बारे में? ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना कि तुम एक मोटिवेशनल स्पीकर हो और लोगों का दिमाग पढ़ के उनको कुछ सलाह वगैरह देते हो। बस इतना ही जानते हो मेरे बारे में? ये नहीं जानते कि मैं मोटिवेशन स्पीकर कैसे बनूं, मेरी पर्सनल लाइफ क्या है और भी बहुत कुछ? नहीं, मुझे किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने का कोई शौक नहीं है, लेकिन हाँ ये जानना जरूर चाहूंगा कि तुम ये सब कैसे कर लेते हो। ठीक है, तो आज मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ, मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। कॉलेज टाइम पे मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था अर्नव। वो एक यूट्यूबर था। मैं अपने पढ़ाई के खर्चों को पूरा करने के लिए रात को फूड सप्लाई का काम करता था, और यह अर्नव को पसंद नहीं था क्योंकि वो चाहता था मैं पढ़ाई लिखाई करके कुछ बड़ा करूं। मैंने उसकी बातों पे कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन जब मैं एक क्लाइंट को फूड डिलीवर करने गया तो वहां उससे मेरा एक झगड़ा हो गया। उस क्लाइंट ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया और उस दौरान मुझे कुछ चोटें भी आई। तब मुझे एहसास हुआ कि अर्नब ठीक कह रहा था, इसलिए मैंने ये फूड डिलीवरी का काम छोड़कर अपनी पढ़ाई पे फोकस किया। लेकिन अपना पढ़ाई का खर्चा भी निकालना था, इसलिए मैं अर्नब के साथ उसके यूट्यूब के काम पर जुड़ गया और बहुत जल्दी हम लोगों को नाम और शोहरत मिलने लगे। इसके दो फायदे हो रहे थे, एक तो हम आम आदमी तक पहुंच रहे थे, दूसरा मेरे अपने खर्चे भी पूरे होने लगे थे। लेकिन एक दिन जब मैं अर्नब के साथ मार्केट में घूम रहा था, तभी मुझे वो क्लाइंट दिखाई दिया जिसने मेरी पिटाई की थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उस पर हमला बोल दिया। क्लाइंट के पास पिस्टल थी, उसने जैसे मुझ पर मारने के लिए निशाना साधा, तभी अर्नव बीच में आ गया और गोली मुझे लगने की जगह उसे लग गई। अर्नव मर चुका था और उसकी मौत से मैं टूटकर बिखर गया। अब मैंने फैसला लिया बदला लेने का, और इस बदले की आग में जलने से मेरा पढ़ाई लिखाई और काम हर जगह से ध्यान हट गया। अर्नव की आत्मा को यह सही नहीं लगा, इसलिए उसने मुझसे संपर्क करके मुझे सही रास्ता दिखाना शुरू किया। अर्नव की आत्मा का साथ मिलने से मैं ज्ञान के सागर में खोता चला गया। इस ज्ञान के सागर ने मेरी तमाम बुराइयों को खत्म कर दिया। ना मेरे मन में किसी के लिए ईर्ष्या थी, ना मेरे मन में किसी के लिए क्रोध था, था तो सिर्फ प्यार, और वो भी इंसानियत के लिए। और इस प्यार ने मुझे वो ताकत दी जिससे मैं आम आदमी के दिल में उतर जाऊं, और आज उसी प्यार की वजह से
मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। और जानते हो वो इंसान कौन था जिसने मेरे दोस्त का मर्डर किया था? वही इंस्पेक्टर राजवीर जो तुम्हारे केस को हैंडल कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? एक कातिल पुलिस इंस्पेक्टर? क्योंकि अर्णव की इच्छा थी कि मैं राजवीर को माफ कर दूं, इसलिए उसका नाम तक नहीं आया इस केस में और पुलिस ने ये केस क्लोज कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि राजवीर ने इस बात का गलत फायदा नहीं उठाया और खुद को बदला, इसलिए वो आज यहां है। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कुदरत का कोई भरोसा नहीं, कब कहां ले जाए। खैर अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। रुकिए, कुछ कहना चाहते हो? हाँ, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक बार अपने बारे में आपको बता देना चाहिए। तो बताना शुरू करो। जवानी का जोश था, पैसा और नाम कमाने का जुनून था। पढ़ाई क्यों नहीं की? क्या पेरेंट्स की हैसियत नहीं थी तुम्हें पढ़ाने की? माँ बाप तो मुझे पढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, लेकिन मैं ही नालायक था जो पढ़ नहीं सका अपनी गलत संगत और ऊंचे सपनों की वजह से। मेरे यार दोस्त सब मस्त किस्म के थे, दारूबाजी, लौंडियाबाजी, स्कूल से भागकर फिल्म देखना, गांजा फूकना, ये सब हमारा रोसा काम था। सबसे ज्यादा पैसा हम लौंडियाबाजी में उड़ाते थे। फिर अचानक से पता चला कि कुछ आंटियां भी होती हैं जो पैसा देती हैं, और एक सोशल ऐप के जरिए हम उन आंटियों का जुगाड़ कर सकते हैं। और जब पहली बार एक आंटी से बात हुई तो दिल खुश हो गया और लगे हाथ मिलने का टाइम भी सेट कर लिया। तो तुम मिलने गए? हाँ गया था, लेकिन वहां मेरे साथ धोखा हो गया। जब मैं वहां पहुंचा तो आंटी मुझे घर के अंदर ले गई और उसी वक्त उनका हस्बैंड वहीं पर आ गया। आंटी ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैं काफी दिनों से उनको फॉलो कर रहा हूं और आज उनको अकेला देखकर मैं घर में घुस आया। फिर क्या था, उसके हस्बैंड ने मेरी बाट लगा दी, मेरा फोन छीन लिया, मेरे पर्स में से पैसे निकाल लिए, मुझे ही फंसा दिया। किसी तरह से जान बचा के मैं वहां से भागा। फिर तो तुम्हारा अंटिया पटाने का भूत उतर गया होगा। आजी कहां, कोशिश तो अब भी जारी थी। यानी कि तुम किसी दूसरे के चक्कर में पड़ गए? नहीं, अब मेरी मुलाकात हुई एक ऐसे बंदे से जो सोशल मीडिया पर अलग अलग ग्रुप में एक बहुत ही मस्त बिजनेस के बारे में पोस्ट किया करता था, और वो बिजनेस था अमीर घर की आंटियों को खुश करने का। मैंने उससे कांटेक्ट किया और लक्ष्मी नगर उसके ऑफिस से मिलने के लिए गया। उसने बोला कि वो मुझे हर हफ्ते कुछ ऐसे बड़े कांटेक्ट्स देगा जिनके थ्रू मैं महीने के 50,000 से ज्यादा कमा सकता हूं। लेकिन उन्होंने मुझसे बोला कि उससे पहले मुझे एक ट्रेनिंग दी जाएगी एक हफ्ते के लिए। अगर मैं ट्रेनिंग पास कर लेता हूँ और वो कंप्लीट हो जाती है तब मुझे
उन कॉन्ट्रैक्ट्स पर भेजा जाएगा, और उसके लिए उन्होंने मुझे 15,000 रुपये जमा कराने के लिए बोले थे। तो तुमने क्या वो फीस दी? हाँ, क्योंकि उसकी बातों से और उसके ऑफिस को देख के ऐसा लग रहा था कि मैं सही जगह आया हूँ, तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से उधार लेकर वो फीस जमा करा दी। तो क्या तुमने ट्रेनिंग पूरी कर ली? नहीं, फीस जमा कराने के बाद तो उन्होंने मेरा फोन तक नहीं उठाया, और जब मैं उनके ऑफिस पहुंचा तो वो बंदा मुझे मिला नहीं। मैंने कई चक्कर लगाए लेकिन उससे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर मुझे एक दिन लगा कि अब लगता है मुझे यहीं पे धरना देना पड़ेगा। शाम को जब वो बंदा ऑफिस आया तो उसने मुझे पहचानने से ही मना कर दिया। उसने बोला, कौन है तू? उसने मेरी एक बात तक नहीं सुनी। फिर उसके आसपास खड़े बाउंसर्स को देखकर मैं खुद ही वहां से चला गया। तुम्हें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी। किस मुंह से करता? पुलिस तो मुझे और फंसा देती। फिर तुम्हारे जिगलो बनने की शुरुआत कैसे हुई? अब मेरा मूड बदल गया था। अब मैंने आंटियों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया और अपनी पुरानी ख्वाहिश की तरफ चल पड़ा। कौन सी ख्वाहिश? मैं बस एक फिल्म स्टार बनना चाहता था। मैं दिन भर सोशल मीडिया पे वीडियोस और रील्स बना बना कर अपलोड किया करता था, इस उम्मीद में कि कभी तो किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की नजरों में आ जाऊंगा। मेरे पापा से मुझे रोज डांट पड़ा करती थी, लेकिन मैं चिकना खड़ा था। एक कान से सुनता, दूसरे से निकाल देता था। एक दिन मैंने गलती से एक धर्म विशेष पर वीडियो बना दी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी धमकियां मिलना शुरू हो गई। मोहल्ले के आसपास के लड़के मुझे मारने के लिए ढूंढने लगे थे, लेकिन मैं भी कहां कम था। मैंने भी अपने दोस्तों की फौज बुला ली और भिड़ गया उन सबसे। पुलिस केस बना था, लेकिन मेरे पापा की मोहल्ले में बहुत इज्जत थी, इसलिए उन्होंने मुझे केवल वार्निंग देके छोड़ दिया। मैं घर तो आ गया, लेकिन स्टार बनने का भूत मेरे सर पे अभी भी सवार था। पापा ने मेरा फोन छीन लिया। ये सब मेरे से देखा नहीं गया, तो मैं घर से भाग कर आ गया। और घर से भागने के बाद मैंने ये सोचा था कि अब तो कुछ ना कुछ बनकर ही घर पे वापस लौटूंगा। तो भागकर कहां गए? दिल्ली। और दिल्ली आके मेरी सबसे पहली जरूरत थी रहने और खाने का जुगाड़ करना, जिसके लिए पैसा नहीं था मेरे पास। तभी मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई जो एक स्टूडेंट था। उसकी और मेरी दोस्ती हो गई और मैं उसी के साथ उसके रूम में रहने लगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उस पर बोझ बन गया था, तो मैंने उससे कहा कि मुझे कहीं काम दिलवा दे। तो उसने मुझे एक स्टोर पर सेल्समैन का काम दिलवा दिया। एक बार पैसे कमाने का जरिया बन गया, फिर मुझे लगा कि उन्हें मॉडलिंग के लिए ट्राई करा जाए, क्योंकि उसमें नाम भी है, पैसा भी है। फिर मैंने मॉडलिंग के लिए ऑडिशन देने शुरू करे। एक्सक्यूज मी सर। हाय सर, आई एम सूरज। वेलकम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लुक डियर, एक्टिंग और मॉडलिंग उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा है, क्योंकि इस लाइन में पहले पैसा लगाना पड़ता है, फिर कुछ होता है।
लेकिन मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि पैसे मेरे पास है नहीं। तभी तो मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। मेरी नजरें पारखी हैं। मैं किसी भी इंसान के अंदर छुपे कलाकार को पहचान लेता हूं। तुम्हारे अंदर स्पार्क है, तुम कुछ कर सकते हो, पर उससे पहले तुम्हें पैसा कमाने का सोर्स बनाना है, और वो बनाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। और उसके लिए क्या करना होगा मुझे? अब तक समझे नहीं? मैं आपका इशारा बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूं। तो तुम क्या उसके साथ सो गए? गुड मॉर्निंग। तुम्हारे अंदर स्टफ है, तुम काफी आगे जा सकते हो, पर शुरुआत थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी। मैं आपकी बात का मतलब समझा ही नहीं। शुरुआत में मैं तुम्हें छोटे मोटे प्रिंट शूट दिलवा सकता हूं, ताकि तुम थोड़ा एक्सपीरियंस भी गेन करो और इंडस्ट्री के लोगों के साथ कॉन्टेक्ट भी बना सको। प्रिंट शूट्स के लिए तो मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन लोग पोर्टफोलियो मांगते हैं। उसकी टेंशन तुम मत लो, तुम्हारा पोर्टफोलियो बनाना मेरा काम है, और जब तुम्हारे पोर्टफोलियो के साथ मेरा नाम जुड़ेगा तो तुम्हें काम बहुत इजीली मिल जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? क्या उसके साथ सोने से कुछ फायदा हुआ? वो मुझसे बहुत खुश हुआ, और उसके बाद उसने इजीली मेरा पोर्टफोलियो बना दिया। उसने मुझे प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट्स दिए, जहां से मुझे काम मिलने लग गया। तो क्या इतना काफी था तुम्हारे लिए? नहीं, क्योंकि शूट्स मिलने के बाद खर्चे भी बढ़ गए थे। वो कैसे? शूट्स करने के बाद मेरे कांटेक्ट में और भी लड़के आए जो इसी लाइन से जुड़े हुए थे। उनके साथ घूमना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, पार्टीज करना, ये सब आम बात हो गई थी। इसके अलावा मेरे वो दोस्त जो इस लाइन से ही नहीं थे, वो भी मुझसे कांटेक्ट करने लगे, क्योंकि अब जब वो मेरी तस्वीरें मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में और सड़क पर लगी होर्डिंग्स पर देखते थे, तो उनको मुझ पर गर्व महसूस होता था, और टशन मारने के लिए मैं उनके साथ बढ़ा चढ़ा के बात किया करता था। और जाहिर सी बात है, जब मैं ऐसा करता था तो उन पर खर्चा भी करना पड़ता था। तो कुल मिला के जितना मैं कमाता नहीं था, उससे ज़्यादा तो मैं खर्च कर दिया करता था। इसके चलते मुझे बहुत जगह से पैसा उधार लेना पड़ा। क्रेडिट कार्ड्स थे, वो भी खाली हो गए।
अब उनको चुकाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। यानी कि तुम अपने ही बनाए जाल में फंस चुके थे। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। और इसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए मैंने कास्टिंग डायरेक्टर से बात करी। उसने मुझे बोला कि वो मुझे कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट देगा और उन लोगों से मिलने के लिए मुझे जाना होगा। तो क्या तुम गए मिलने के लिए? हाँ। इन मुलाकातों से क्या फायदा हुआ तुमको? उनमें से कुछ बिजनेसमैन ने मुझे अपना एस्कॉर्ट बनाया। मैं उनके साथ शहर के बाहर भी जाता था मीटिंग्स के लिए। इवन मैं उनके प्राइवेट रूम्स में जाता था। फ्री का घूमना फिरना हो रहा था। 5-star होटल्स में रहने को मिल रहा था। साथ में पैसे तो मिल ही रहे थे। कितना पैसा मिलता था? 50% शेयर मुझे पर मीटिंग का मिलता था और बाकी 50% मुझे उस कास्टिंग डायरेक्टर को देने होते थे। इन मिलने वालों में सिर्फ आदमी ही थे या कुछ औरतें भी थी? औरतें भी थीं, लेकिन ज्यादातर 30+ एज ग्रुप की थीं। तो तुमको इस काम में मजा आ रहा था? हाँ, शुरुआत में मजा आ रहा था। जवानी का जोश, खूब सारा पैसा, खूब सारी ऐश, सब था। लेकिन जैसे जैसे मैं इस काम में आगे बढ़ता गया, इस चमकते धंधे के पीछे का काला सच मेरी आंखों के सामने आता गया। मेरे से मिलने वाले क्लाइंट्स, चाहे वो औरतें हों चाहे वो आदमी हों, 40-45 साल से ऊपर के ही रहते थे और कई बार तो 50-60 साल से ऊपर के भी मिलते थे मुझे क्लाइंट्स। और इतनी बड़ी एज ग्रुप की औरतों की डिमांड काफ़ी अजीब होती थी। वो हमें अपनी प्राइवेट पार्टीज में बुलाती थी जहाँ हमको उनके मेहमानों के सामने स्ट्रिप करना होता था। चलो, स्ट्रिप करने में कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ कपड़े उतार के नंगा नाचना ही तो होता था। लेकिन प्रॉब्लम तब होती थी जब उन औरतों के झुंड की जिस्म की भूखी निगाहों का सामना करना पड़ता था। वो एक साथ ऐसे टूट पड़ती थी हम पर जैसे कि उस दिन उनका लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब हमारे जिस्म से ही होगा। वो औरतें कई बार ऐसी ऐसी जगह पर किस करने और लिक करने को कहती थीं जिस जगह को देखते ही घिन आ जाती थी। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। तो क्या तुम वो डिमांड पूरी करते थे? करना ही पड़ता था, वो तो मेरी ड्यूटी थी। अब इस रास्ते में चलते चलते क्या कोई मुश्किल तुम्हारे सामने आई? बहुत सारी मुश्किलें आई थी। जैसे कि एक बार मेरे ही गांव का बंदा मेरे ही क्लाइंट के फार्म हाउस पे सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था। वो मेरा साथ जान चुका था, इसलिए उसको शीशे में उतारने के लिए मुझे उसकी खूब खातिरदारी करनी पड़ी। क्या तुमने कभी सोचा कि तुमने अपने लोगों को बेवकूफ बनाया या खुद अपने आप को? आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसका एहसास मुझे बहुत बाद में जाके हुआ। यह एहसास तुमको कब होना शुरू हुआ? एक्चुअली मैं जहां रहता था वो एक बहुत पॉश इलाका था और वो फ्लैट मुझे कास्टिंग डायरेक्टर ने ही दिया था। वहीं पास में एक लड़की थी जिस पर मेरा दिल आ गया था और मैंने उससे नज़दीकियाँ बढ़ानी शुरू कर दी थी। वो भी मुझे बहुत पसंद करती थी। लेकिन अचानक एक दिन एक पार्टी में मेरी मुलाकात एक औरत से हुई जिसने मुझे नाइट सर्विस के लिए बुक किया था।
और मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे उस औरत के साथ देख लिया, और वो औरत मेरी गर्लफ्रेंड की कॉलेज की प्रोफेसर थी। बस उसी दिन के बाद से मेरा और उसका रिश्ता टूट गया। तुम जानते हो, जब एक लड़की ऐसा करती है तो उसे वैश्या कहकर गाली दी जाती है, बदनाम किया जाता है। राह चलते लोग उस पर गंदी निगाह डालते हैं। तो तुमको ये एहसास नहीं हुआ कि तुम में और उस लड़की में क्या फर्क है? अब तक मुझे इस बात का एहसास इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। इन सब चीज़ों को लेकर लड़कों से कभी कोई सवाल नहीं पूछता, बल्कि लड़के इसे अपनी मर्दानगी की नुमाइश समझते हैं। लेकिन जब गर्लफ्रेंड ने मुझे वैश्या कहा, तब मैं एक बार सोचने पर ज़रूर मजबूर हो गया। तुमने सोचा, लेकिन तुम्हारे दिल ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मेरा दिल मेरे दिमाग पर हावी था, इसलिए ये जानते हुए भी कि ये रास्ता सही नहीं है, मैं इसी पर चलता जा रहा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे डरा दिया। हमारी टीम में एक लड़का और था जिसकी एक औरत रेगुलर क्लाइंट थी, और उस औरत का हस्बैंड ज़्यादातर बिजनेस के सिलसिले में विदेश में रहा करता था। अपने बर्थडे के दिन उस औरत ने हमारी टीम के उसी लड़के को नाइट सर्विस के लिए बुलाया। तभी अचानक उस औरत का हस्बैंड भी उसको बर्थडे का सरप्राइज़ देने के लिए वहाँ पहुँच गया, और सारा मामला बिगड़ गया। और आज वो लड़का चोरी और अटेम्प्ट टू रेप के केस में जेल में सड़ रहा है। लेकिन वो लड़का तो उस औरत के बुलाने पे वहां गया था। अपने हस्बैंड के कहने पे उस औरत ने पुलिस को ये स्टेटमेंट दी कि वो लड़का वहां चोरी करने के इरादे से घुसा था और अकेला पाकर उस औरत के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो क्या तुमको डर नहीं लगता? तुम भी तो शादीशुदा औरतों के पास जाते हो। खैर छोड़ो इन बातों को, आगे बढ़ो। एक बार मैं एक पार्टी में उसी कास्टिंग डायरेक्टर के साथ गया था। उसने मुझे एक बिजनेसमैन से मिलवाया जो कि ओपनली गे था। He hit my butts. जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और मैंने उसको एक तरफ धक्का दे दिया। आने दो उसे, मैं देखता हूं। तुम जानते भी हो कौन है वो? कोई भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसी हरकत मेरा सगा बाप भी करता ना, तो मैं उसको भी ठोक देता। वो एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, और हम जैसे लोगों का धंधा उनके दम पे चलता है। तो आप क्या चाहते हैं, कोई कुछ भी करे और मैं खामोशी से मुस्कुरा के उसको सब कुछ करने दूं? तुम्हारी तरह जितने भी लड़के इस लाइन में हैं, they are all versatile। वो अपने क्लाइंट की हर बात मानते हैं, वो उनकी हर हरकत को सहते हैं। क्योंकि तुम मेरे खास हो, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि क्लाइंट तुमको तुम्हारे हिसाब से ही दिए जाए, वरना जितने पैसे तुम मुझे कमा कर देते हो उससे कहीं ज्यादा बाकी लड़के मुझे कमा कर देते हैं। देखो, लेडीज क्लाइंट ज्यादा नहीं मिलते, इसलिए जेंट्स क्लाइंट ही फायदे का सौदा है। तुम्हारी तरह जितने भी लड़के इस लाइन में हैं,
दे आर ऑल वर्सेटाइल। वो अपने क्लाइंट की हर बात मानते हैं, वो उनकी हर हरकत को सहते हैं, क्योंकि तुम मेरे खास हो, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि क्लाइंट तुमको तुम्हारे हिसाब से ही दिए जाए, वरना जितने पैसे तुम मुझे कमा कर देते हो उससे कहीं ज्यादा बाकी लड़के मुझे कमा कर देते हैं। या डोंट वरी आई विल मैनेज। या ओके आई विल लेट यू नो। ओके बाय। लगता है रात भर सोए नहीं हो। आज शाम को तैयार रहना, एक बड़ी मीटिंग है। मैंने फैसला किया है कि मैं इस काम को और नहीं करूंगा, और जो पैसे मैंने अब तक इस काम से जमा किए हैं उससे मैं कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा, लेकिन ये काम नहीं करूंगा। छोटा मोटा काम? एक बार जिसे चमक धमक की आदत लग जाए ना, वो उससे बाहर नहीं आ सकता। कोई बात नहीं, थोड़े दिन अजीब लगेगा लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो जाएगा। क्या यार, छोटी मोटी बात पे इतना बड़ा फैसला ले लिया? मेरे बारे में भी तो सोचो, मैंने कितना पैसा लगाया है तुम्हें बनाने में। क्या लगता है तुम्हें, क्यों किया ये सब मैंने तुम्हारे लिए? क्योंकि प्यार करता हूं मैं तुमसे। प्यार, जो प्यार करता है ना, वो अपने प्यार को किसी और का बिस्तर गर्म करने के लिए नहीं भेजता है। जो तुमने किया वो प्यार नहीं था, एक इन्वेस्टमेंट था, और वो इन्वेस्टमेंट तुमने अपना प्रॉफिट कमाने के लिए करी थी। मैं इन्वेस्टमेंट वहीं करता हूं जहां प्रॉफिट की श्योरिटी होती है। लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी इन्वेस्टमेंट नहीं बनूंगा। बनना पड़ेगा, क्योंकि रईस औरतों के साथ तुम्हारी सारी चैट और वीडियोस मेरे स्टॉक में है। क्या तुम जानते हो, तुम्हारा फोन मेरे लिए सीसीटीवी कैमरे का काम कर रहा है। मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगा। पुलिस के पास जाओगे? जाओ, शौक से जाओ। लेकिन पुलिस को जाकर क्या कहोगे, कौन सा धंधा करते हो तुम? ये धंधा समुद्र में फंसी उस नाव की तरह है जिसे दूर दूर तक कोई किनारा नहीं मिलता। अब तुम्हें जीना भी यही है और मरना भी यही है। मैंने जो कहना था वो कह दिया, अब तुम्हारी बारी है। अगर जीना चाहते हो तो शाम को मीटिंग के लिए आ जाना, वरना कल का सूरज तुम्हारे लिए दर्द लेकर आएगा।
फिर तुमने क्या किया? क्या करता, अपने हथियार डाल दिए। उस शाम की मीटिंग मेरे लिए किसी हादसे से कम नहीं थी। जहां मैं गया था वो एक आलीशान फार्म हाउस था, जहां 8 से 10 बाउंसर्स यहां वहां घूम रहे थे। और अगले ही पल मुझे एक जोरदार झटका लगा, ये देख के कि उस फार्म हाउस का मालिक वही है जिसे मैंने धक्का दिया था, वही मेरा क्लाइंट निकला। मैं उस बिजनेसमैन के पास गया और उस बिजनेसमैन ने मुझसे पिछली रात के लिए की गई बदतमीजी के लिए माफी मांगी। उसने कहा कि उसने मुझे अपने लिए नहीं बल्कि अपनी वाइफ के लिए बुलाया है। मुझे बहुत अजीब लगा कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए ऐसे कैसे किसी और लड़के को बुला सकता है। खैर, मैं उसकी वाइफ के कमरे में गया और उसकी वाइफ बिल्कुल रेडी बैठी हुई थी। उसने मुझे ड्रिंक ऑफर किया और ड्रिंक करते ही मेरा दिमाग घूमने लगा और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। जब मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था और वो बिजनेसमैन मेरे ही सामने सोफे पे बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसने नोटों की गड्डी मेरी तरफ फेंकी और मुझसे बोला कि मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करवाता। और फिर उसने नोटों की एक और गड्डी मेरी तरफ फेंकी और बोला कि ये उन 2 बाउंसर्स की तरफ से जिन्होंने तेरे साथ अलग से मजे लिए। हेलो, हाँ जी जी जी, तो आज की मीटिंग फिक्स है ना फिर आपकी? अरे उसमें कोई टेंशन नहीं है, जैसा माल आप बोलेंगे वैसा माल आपको सप्लाई हो जाएगा। अरे तुम आ गए? तो कैसी रही तुम्हारी नई शुरुआत की पहली रात? इसका मतलब तुम जानते थे कि वहां मेरे साथ क्या होने वाला है? हां, और अब यह मत पूछना कि जानते हुए भी मैंने तुम्हें वहां क्यों भेजा। Thank you.
मिस्टर मेहरा हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं और साथ ही हमारे शोज को भी बहुत अच्छी फंडिंग देते हैं, और उनके नेटवर्क के जो लोग हैं वो भी हमें अच्छा खासा बिजनेस देते हैं। तुमने भरी पार्टी में उनकी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम्हें सबक सिखाना जरूरी था। बाय द वे, कल रात जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसका वीडियो हमारे पास है। देखना चाहोगे? तो अब तुम मुझे ही दिखाना चाहते हो कि वहां मेरा रेप कैसे हुआ? नहीं नहीं, उसे रेप नहीं बोलते, जो हुआ तुम्हारी मर्जी से हुआ। क्या बकवास कर रहे हो? लो अपनी आंखों से देख लो। जो ड्रग तुम्हारे ड्रिंक में मिलाया गया था वो तुम्हें नशे में करने के लिए नहीं था, उससे तुम नशे की एक सुनहरी दुनिया में पहुंच गए थे जिससे तुमने हर एक पल को एंजॉय किया, हर एक पल को बिना दर्द के। घबराओ मत, ये वीडियो किसी को नहीं दिखाया जाएगा जब तक तुम मेरे पास काम कर रहे हो। आम आदमी की तरह घुट घुट के जीने से अच्छा है जैसा मैं बोलता हूं वैसा करते रहो। तुम इस दुनिया के लिए खास हो, लोग तुम्हें चाहते हैं, इसलिए अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। सही कहा आपने, आप मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, और मैं खामखा आपके बारे में बुरा भला सोचता रहा। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, पर सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया। तेरे जैसे भड़वे की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। तो तुमने सरेंडर कर दिया? हाँ, क्योंकि मैंने अपराध किया था। वैसे तो मैंने कई अपराध करे हैं, लेकिन यह अपराध मैंने पूरे होशों हवास में किया है, और मुझे इस बात का कोई गम नहीं कि मैंने अपराध किया है। बस मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मुझे फांसी से कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जेल की दीवारों के बीच में रह नहीं सकूंगा।
इसलिए मुझे फांसी चाहिए। कौन कहता है कि तुम जेल की दीवारों के पीछे रहोगे? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि पहली बात तुमने सरेंडर करा है, और दूसरी बात तुम इस जिस्म फरोशी के धंधे को बहुत अच्छे से जानते हो। तो मैं चाहूंगा कि तुम सरकारी गवाह बनकर इस नेटवर्क को क्रैक करने में कानून की मदद करो, ताकि भविष्य में और किसी लड़के के साथ ऐसा ना हो। इंस्पेक्टर राजवीर बहुत अच्छे इंसान है, वो इस केस को इस तरीके से हैंडल करेंगे कि तुम्हें कम से कम सजा, और हो सकता है कि शायद तुमको जमानत भी मिल जाए। और ये थी मेरी जिंदगी, और मुझे खुशी है कि कुणाल के रूप में मुझे एक नया साथी मिला है जो मुझे अब एक नई दिशा में लेकर जाएगा।